नमस्कार, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी माँ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो आप गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है अपनी माँ के बारे में, तो कभी कभी कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ माँ, लेकिन क्या लिखूँ तेरे बारे में, मैं शब्द ही मेरे कम पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ माँ, लेकिन मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं। चलिए इसी लाइन से शुरू करते हैं, आगे की पंक्तियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी, देखते हैं। जिसकी आंचल में मैंने पनपना सीखा, जिनकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा, कैसे छोड़ जाऊँ मेरी माँ मैं तुझे, जिससे मैंने बार बार गिर कर चलना सीखा। तो मेरी माँ जिसने मुझे इस लायक बनाया। कहते हैं कि बच्चा अपने माँ का जो प्यार है वो भूल जाता है, किस परिस्थिति में उस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया होगा। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो पहला शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है वो माँ होता है, ठीक है। माँ हमारे शब्द, हमारे बोलने का, जैसे हम बोलते हैं तो बोलते समय जो पहला शब्द होता है वो माँ होता है। तो माँ ने ही हमें बोलना सिखाया, जिस कारण से मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो मेरी माँ को जाता है। आज मैं जिस लायक हूँ उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो मेरी माँ को जाता है। आगे बढ़ते हैं। माँ का दिल बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसको कभी दुखाया ना करो। माँ का दिल बहुत कोमल होता है, उसको कभी दुखाया ना करो। और गलती से यदि कुछ दुख पहुँच भी गया हो तो माफ़ी मांग लिया करो, ठीक है। वो बहुत ही तुरंत आपको माफ़ कर देगी बिना किसी प्रश्न को पूछे बगैर। कहते हैं लड़कों को जनाब आपने कभी रोते नहीं देखा होगा। एक लड़का तभी रोता है जब वो अपनी माँ के आँखों में आंसू देखता है। तो माँ के आँखों में आंसू आना मतलब यदि आपकी वजह से आया है तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी मिस्टेक है, तो आप जो है उसको वहीं पे क्षमा मांग लीजिए और वो ज़रूर आपको माफ़ कर देगी। तो मेरी माँ ने मुझे इस लायक बनाया। जिसकी आँखों का नूर हूँ मैं उसको सच सच नमन करता हूँ। और हमारा साथ ऐसा ही बना रहे, कभी भी आपको छोड़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। याद तो बहुत आती है फिर भी हमारा कनेक्शन ऐसा है कि दिल से दिल मिला हुआ है, हम कभी भी आपसे दूर हुए ही नहीं हैं। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, किसी के लिए, आपके लिए या सभी के लिए दोस्तों, किसी और की मुमताज कोई और होती है या आपकी मुमताज कोई और होगी। मेरी मुमताज तो मेरी माँ ही है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। कुछ कहने की मैंने कोशिश की हुई है, और यदि कुछ गलत हुआ, यदि आपको यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।